गजब, खड़े हो जा राहुल नीचे, पागल है भगवान ने दो हाथ दिए। यही कमी रह गई थी बनती हुई सड़क पे चलने की। चलते हैं अपने दोस्त को उठाने। मित्र महोदय अभी तक सो रहे हैं, क्यूट हैं। अरे महाराज चलो फिर। नौ बज गए हैं, चलो चलो तो फिर आ जाओ। अच्छा मुझे बाहर आना पड़ेगा, आज ब्लू बिल्लू हो रहे हो, ब्लू बिल्लू। हाय हाय चोड़िया गए हो लाला, तुम चोड़िया गए हो। चलो भूख लग रही है बहुत तेज में, तुझे कल से भूख ही लग रही है। चलो पराठे खाएंगे भाई साहब, डेढ़ मतलब मैं हाँ डेढ़ खाना चार खाना इस बार हमें लगा प्लेट में धरेंगे अपना साला, कम से कम पूरा तो खाऊंगा मैं। चलो चलो कल भूख ज्यादा थी मुझे इसलिए जल्दी जल्दी। वही तो कल का उधार चुका दिया, ये लो वही 2 किलोमीटर चले हैं, लड़का कल आ गया है, बैठ गया रुकने के लिए। हमें पराठे खा लिए बारी बारी यार, इधर तंदूरी वाले पराठे दिए तो सही किया था ना, कल तो ज्यादा पराठा दिया था। नॉर्मल होगा यार, ऐसे थोड़ी होता भाई साहब। आ हेलमेट मत उतारो यार, बस थोड़ा सुस्ता लो तू थकेला। ओली का कर्ण प्रयाग नगर पालिका परिषद। चलो भाई नीलू बिल्लू प्रयाग से निकल चुके हैं, हम लोग आकर रखे हैं। ये है अल्मोड़ा वाला है, नैनीताल अल्मोड़ा। टाइम हो गया? अरे बस पूरा बस बजा हुआ है और हाईवे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं मोदी जी की तारीफ क्यों करते हो? नहीं मोदी जी ने रास्ते, मोदी जी की ट्रेन आएगी, गाड़ी चला सकते हो आप अल्मोड़ा का बाईपास करते हैं। अल्मोड़ा में क्या बाकी अगर सड़क बढ़िया रहती गई तो फिर वो ऐसा बनेगा पूरा रास्ता एकदम चौड़ा वाला, वो उधर का बन गया ना शुरुआत वाला बन गया, तो उधर जब चौड़ा करने लगे सारा का सारा पूरा बन गया। आई गजब, खड़े हो जा राहुल नीचे उनके नीचे तक जाइयो फिर। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? जा तो रहे थे नैनीताल, लेकिन हमने रास्ता पकड़ लिया दूसरा, तो यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है। यहाँ लैंडस्लाइड हुई देख के तो पता भी लग गया, नहीं तो बिल्कुल चक्कर पता लग गया ना। अभी पहुंचे होते अल्मोड़ा, पहुंच गए होते बैद्यनाथ, पहुंच जाते नैनीताल, तो हम जाते हैं यूटर्न लेंगे अभी यहाँ से, यूटर्न लेंगे भाई साहब। चलो भाई चलो फिर देखते हैं मोदी जी का रास्ता दोबारा फिर नापेंगे। वो तो चक्कर में ना नदी के ऊपर बहस हो गई, और नदी के चक्कर में ना कि नहीं पिंडाल नदी है वो। अरे आधा टांगे नहीं उठती क्या तुम्हारी? यहाँ सामान लेके भी चले आने जो आगे गया तो आगे रहता है। भाई साहब उधर भी जाम लगा है, उधर ट्रक लोड हो रहा है और इधर भी। अब बीच में गए हम फंस, हम गए बीच में भैया बस सैंडविच, ना उधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ना घर जा सकते हैं ना घर से बाहर जा सकते हैं, बीच में फंसा रखे हैं। भाई साहब तुम लोग यही रहो, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, लगाव हो गया है, ना उधर जाने दे रहे ना इधर जाने दे रहे। देखो इधर का शायद क्लियर हो गया है, क्लियर हो रहा है भाई साहब। सच्ची में बागेश्वर बुला बुला रहा है क्या? हैं? चलो उधर भी ट्रक लोड हो जाएगा, वो भी साफ हो जाएगा। हाँ ट्रक हो जाएगा लोड, वो भी रुकेगा थोड़ा। ये तो रास्ता साफ कर दिया उन्होंने, रास्ते ही टर्न गलत ले लेते हैं, फोनों का कोई फायदा नहीं हाथ में हमारे, और न लगे हुए बोर्ड का। बोला था वहाँ देख लो मैप, देख लो प्रॉपर देखा था, बोर्ड लगा हुआ था तो नहीं गया ना जान। अब ये लोग यहाँ भीड़ लगाएंगे आपके, उधर वाले यहाँ जाम करेंगे, बहन चो एक से फुर्सत मिली दूसरे ने रोक दिया। हाँ इन्हें भी ऐसे ही लगेगा। हाँ चलो यार चलो।
देखो और निकल भी जाए भाई साहब कोसानी में कहीं कुछ ऐसा मिल गया तो गजब। ढाई तीन घंटे खाए थे उस दिन। बोर्ड लगा है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि अपना कीमती जीवन बचाएं। और मैंने क्या पढ़ा उसका कि अपना कीमती समय बचाए और अपनी गाड़ी तेज चलाए। जैसे पहाड़ों में चलने वाले होने चाहिए वो पढ़ने वाले खास कर, क्योंकि जैसा पढ़ोगे वैसे चलाओगे। इस पे गाड़ी तेज चला के चलेगा आदमी। रानी के खेतों में भी चले जाते हैं। वैसे खेत तो होते हैं, खेत तो बहुत सारे दिख रहे हैं ऊपर देखोगे। रानी ने अलग तरीके के बाग लगाए होंगे फिर कुछ। वो रानी खेत है, ये रानी के खेत नहीं है। वही तो वो तुमसे नहीं चल पा रही है तो फिर हमें बताओ हम चलाएं। यार यही सही पकड़े हो तुम। मैं मतलब बहुत सही बोल रही थी, मैं भी सोच रहा था अब तुम ड्राइव करो आगे गाड़ी है ना, फिर मैं चला लेती हूँ कम से कम। तुम उस रूल को फॉलो कर सकते हो क्योंकि पढ़ा है तुमने। और क्या एनएफएस बना रही है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट चिल्लान बना रही है। वो आदमी अभी सकते हैं आगे बढ़ते चलाना, वो चढ़ के बैठ गया ना तो बीच में गिर गया। कोई बात नहीं, हम तेज पकड़ के बैठ जाएंगे ना एकदम। हाथ दर्द करने लगता है, तुम चला लेती और मेरी बाइक का तुमने डाल दिया था ना इसलिए वो नहीं, गाड़ी में भी दिखा रहा था भाई। हाँ पागल हो जाता है कभी कभी, कभी कभी इसमें पता नहीं लगता है। ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में था, ज्यादा शॉर्टकट था, काफी ज्यादा फर्क था बीच से। पर कम से कम ये तो देख लो भाई टाइम कितना लग रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ दे रहे हो कि फास्टेस्ट। पागल है, भगवान ने दो तो हाथ दिए काय के लिए, खाने और कुछ जाने। अच्छा फिर अपने हाथ से क्या करोगे ना हो तब भी। मुझे यहीं से दिख रहा है रानी खेत। हाँ वो सामने रानी खेत है, उसके पहाड़ की दूसरी तरफ नैनीताल। अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक झटके में पहुंचा दूँ तुम्हें तीनों, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ जाओगे कैसे पहुँचाया जाए। तो चलो दोस्तों पहुंच गए हैं बस रानी खेत, 15-20 किलोमीटर बचा है। रास्ता बहुत बढ़िया है, पता नहीं आज रिकॉर्डिंग वही बनती है जहाँ रास्ता बढ़िया आता है। बीच में ख़राब भी था पर वहाँ भी वीडियो नहीं है तो कह नहीं सकते फिर ख़राब का। अच्छा आज नहीं लेटोगे सड़कों पे हैं, यहाँ वैसे भी काफ़ी स्पीड में आएंगे आदमी। नहीं देख लो एक बार जो सही लगे तो लेट जाओ यार, आज हम नहीं बताएंगे कि आ रही है आ रही है, चढ़वा ही देंगे। चलो फिर चलते हैं। लो भाई साहब यही कमी रह गई थी, तू करके जाएगा कि मैं अपने आप बताती हूँ, तुम जाओ। यही कमी रह गई थी बनती हुई सड़क पर चलने की। ए राहुल गर्मा गर्म भाप निकल रही है भाई इसमें से। सुपर ले लाला किधर से निकले